Student, how are you? I hope you all good. So today moral is thought of the day. Your best teacher is your last mistake. Your best teacher is your last mistake. Means of moral, your best teacher जो है is your last mistake. मतलब जो आप गलती करते हो, जिस गलती के बाद आपने उस चीज को सही कर लिया, वो आपकी लास्ट मिस्टेक होती है. ठीक है, जिस गलती के बाद हमने उस गलती को दोहराना छोड़ दिया या उस गलती को सुधार लिया, वो हमारी लास्ट गलती होती है, जिसके बाद हम गलती उस चीज को करने में गलती नहीं करते हैं. तो हमारा टीचर जो हमें सिखाता है, जो हमें पढ़ाता है, जो हमारा अध्यापक होता है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, वो हमारा क्या है, बेस्ट टीचर है. और बेस्ट टीचर हमें जो गलती जो हमें हमारी गलती सुधार देता है वही होता है. मतलब यहाँ मिस्टेक्स को लास्ट टीचर बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसी मिस्टेक्स के बाद से हमें चीज़ों को करने में गलती हमने चीज़ों को करने में गलती नहीं की है और आया है. तो थॉट ऑफ द डे, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक. हमारा बेस्ट टीचर जो है वो एक मतलब कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं और उस काम को वो काम हमारा गलत हो गया, उसके बाद अगर हमने कोशिश की वो काम हमसे अच्छा हो गया, तो जो गलती हमसे हो चुकी है वो हमारा लास्ट मिस्टेक रहेगा, लास्ट गलती रहेगी, क्योंकि उस गलती को अब हम दोबारा नहीं दोहराएंगे. तो वही है, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक्स. मतलब हमारी गलती जो है, आखिरी गलती जो है, वो हमारा बेस्ट टीचर होता है. टीचर क्या हमें कुछ सिखा के इसको सिखाता है, बताता है, पढ़ा रहे, उसी तरीके से है. जो गलती हो गई है उसने हमें बेस्ट की, अब उस चीज की गलती को दोहराना नहीं है. ठीक है, यही हमारा मोरल है. सो पढ़ेंगे और व्याकरण में हमें पहले पिछली चीजों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट का स्टार्ट करेंगे. ओके, तो पहले भाषा, मैंने कई बार आपको रिवीजन कराया इस चीज का. फिर हमने पढ़ा वर्ण, वर्णमाला, जिसमें हमने बताया था अक्षरों के बारे में, वर्णों के बारे में. फिर हमारा था मात्रा ज्ञान, जिसमें मात्राओं का ज्ञान बताया गया था, मात्राओं का ज्ञान समझाया था मैंने आपको. चौथे पार्ट में हमने पढ़ा शब्द और वाक्य, वर्ड और सेंटेंस. इसको मैंने बताया शब्द से क्या होता है, वाक्य से क्या होता है, या शब्द के बाद वाक्य कैसे बनते हैं, सही शब्द से वाक्य कैसे बनते हैं. फिर पांचवा पार्ट हमने जो पढ़ा था, पांचवा अध्याय जो हमने पढ़ा था, वो था संज्ञा, मीन्स नाउन. तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें हमने परिभाषा पढ़ी थी, व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं. कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान प्राणी या चीज, सामान, जगह कोई भी बिना नाम के नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था. फिर आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है लिंग, मतलब जेंडर. तो जेंडर को पढ़ने पहले हम समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम अभ्यास कार्य को आगे बढ़ाएंगे. लिंग, जेंडर, अध्याय छठा. नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए. नीचे जो चित्र दिए गए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक देखिए. शेर दहाड़ रहा है, शेरनी बैठी हुई है, मोर और मोरनी नाच रहे हैं, बंदर आम खा रहा है, बंदरिया झूल रही है, दादा दादी पार्क में टहल रहे हैं, तान्या नाच रही है, राहुल गिटार बजा रहा है. तो बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में शेर, बंदर, मोर, दादा तथा राहुल ने पुरुष जाति का राहुल जो है वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है, जबकि शेरनी, बंदरिया, मोरनी, दादी तथा तान्या से स्त्री जाति के बोध हो रहा है. ये लिंग कहलाते हैं. अतः जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हों उन्हें, मतलब हमें यहाँ
स्त्री जाति और पुरुष जाति की पहचान कैसे हो रही है। मतलब शेर जो है वो पुरुष जाति है और शेरनी है स्त्री जाति, बंदर पुरुष जाति और बंदरिया स्त्री जाति, मोर पुरुष जाति मोरनी और स्त्री जाति है, दादा पुरुष जाति और दादी स्त्री जाति है, तान्या स्त्री जाति है और राहुल पुरुष जाति है। तो हमें इसमें जाति की पहचान हो रही है, जो जैसे जेंट्स और लेडीज मतलब स्त्री और पुरुष से हमें लिंग की पहचान हो रही है। लिंग के प्रकार, लिंग दो प्रकार के होते हैं। देखो लिंग दो प्रकार के होते हैं, आपके बुक में समझाया जा रहा है। लिंग स्त्री लिंग होते हैं और पुल्लिंग होते हैं। स्त्री लिंग में जो लेडीज मतलब जो स्त्रियां या औरतें आती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं, और जो पुरुष या लोग आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में अगर हम डालेंगे तो शेरनी, बंदरिया, मोरनी, दादी और तान्या को, पुल्लिंग में डालेंगे तो शेर, बंदर, मोर, दादा और राहुल को, तो ये सारे लोग क्या पुल्लिंग में रहेंगे। आगे देखते हैं, पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे माली, बूढ़ा, घोड़ा, धोबी, पिताजी आदि। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग बोध कहलाते हैं। जैसे मालिन, बुढ़िया, घोड़ी, धोबिन और माताजी आदि। मतलब पुल्लिंग जो है वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग में जो लेडीज हैं उनके लिए कहा जाता है, और पुल्लिंग में जो इसमें जेंट्स लोग आते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आपको ढेर सारी चीजें दी गई हैं। तो ये नाना पुल्लिंग, नानी स्त्रीलिंग, दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, मामा पुल्लिंग, मामी स्त्रीलिंग, चाचा पुल्लिंग, चाची स्त्रीलिंग। मतलब जितने भी मामा, पापा, नाना, चाचा ये सारे लोग हैं ये क्या है पुल्लिंग है, पुरुष जाति के लोग हैं, और नानी, दादी, मामी ये सब स्त्री जाति के हैं तो ये स्त्रीलिंग में है। तो आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिल रही हैं कि कौन स्त्री जाति है और कौन पुरुष जाति है, जैसे आप बुक में अच्छे तरीके से देख के समझ सकते हैं। फिर है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के समान रूप में होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि। अब यहाँ हमें ये भी बोल रहा, पहले तो इसने ये बताया कि पुल्लिंग जो है पुरुष जाति के जो बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब कह रहे हैं कि कुछ रूप ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों को समान रूप से बोध कराते हैं, जैसे राष्ट्रपति, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर। ये क्यों? मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर ये लोग जो होते हैं इनमें डिसाइडेड नहीं होता है कि वो पुरुष हैं या स्त्रीलिंग है। राष्ट्रपति स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, प्रधानमंत्री स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है। हम बस डॉक्टर के नाम से उसे जानते हैं, हम स्त्री और पुरुष के नाम से नहीं इसको देखेंगे। वकील है, वकील में भी दोनों आते हैं, प्रोफेसर दोनों आते हैं, इंजीनियर दोनों आते हैं, तो इसमें हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समान रूप में लेके चलते हैं। ये अब राष्ट्रपति हमें पुल्लिंग में जो है पति आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये नहीं सोच लेंगे कि राष्ट्रपति आ रहा तो ये पुल्लिंग है। क्यों ये पुल्लिंग है? क्योंकि राष्ट्रपति तो एक पद है ना, और इसमें लेडीज जेंट्स कोई भी आ सकता है, स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी ये कोई भी आ सकता है। अब प्रधानमंत्री है तो मंत्री, अगर हम वैसे मंत्री लिखेंगे तो पुल्लिंग में डाल लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री में क्या लेडीज भी आती हैं और जेंट्स भी आते हैं। डॉक्टर में हम लेडीज डॉक्टर से भी मिलते हैं और जेंट्स डॉक्टर से भी मिलते हैं, तो डॉक्टर में दोनों आते हैं, इसलिए इसको एक चीज नहीं लेके चलेंगे। वकील में भी लेडीज होती हैं और जेंट्स भी होते हैं। प्रोफेसर में भी दोनों लेडीज जेंट्स समान रूप से वो आते हैं। इंजीनियर में भी दोनों आते हैं, तो इसलिए कुछ शब्द अब ऐसे नहीं है कि मगर हमें वकील से लग रहा कि जेंट्स है तो हम इसको पुल्लिंग में दे देंगे। क्यों?
यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से होता है, और वो ये सारे शब्द हैं जिसमें लेडीज जेंट्स दोनों आ सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसमें स्त्री जाति और पुरुष जाति की पहचान हम नहीं कर सकते हैं। तो जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं, हमने ये जाना। जो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हमने इस पार्ट में जो पढ़ा है वो मेन हमने पढ़ा है लिंग को लेके। जो लिंग है उसमें लिंग से हम पहचान करते हैं कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। बात से, उसके भाषा से, मात्रा और चित्र के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें देखी हैं। तो हमने इसमें जाना कि जो स्त्री या पुरुष जाति सीजन अगर दे दिया गया, लिंग किसे कहते हैं, वही शब्द लिंग कहलाते हैं जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हों, दोनों में से कोई एक बोध कराने वाले स्त्री जाति और पुरुष जाति के लिंग कहलाएंगे। जिसमें पुरुष का नाम आता है, पुरुष जाति के बारे में कहा जाता है, वो वहां पुल्लिंग लगाएंगे, और जहां स्त्री जाति के बारे में कहा जाता है या स्त्री की बात की जाती है वहां स्त्रीलिंग लगाएंगे। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमारा दो लिंग का प्रकार, हमने आगे वाली चीज से हम पकड़ लेते हैं कि स्त्री में क्या है, आगे स्त्री आ जाता है यानी लेडीज, ठीक है। यहाँ लेडीज आ रही हैं स्त्रीलिंग में, तो हम यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे। और पुल्लिंग यानी हम पुरुष भी लिखते हैं तो पु से स्टार्ट करते हैं, तो पुल्लिंग में पुरुष आ गया। सिंपल सी स्त्रीलिंग में स्त्री और पुरुष में पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते, पुल्लिंग कहते, पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और पुल्लिंग में ये सारे शब्द होते हैं। और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग में ये सारे शब्द होते हैं। अब हम इतने सारे शब्द को जब देखेंगे, समझेंगे मात्रा के हिसाब से, तो समझ ही जाएंगे कि जो जेंट्स हैं या जो जिसमें इस तरीके के नाम होते हैं वो सारे पुल्लिंग हैं, और जिसमें इस तरीके के नाम होते हैं सारे स्त्रीलिंग हैं, और जिनमें दोनों समान होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, वकील और प्रोफेसर, इंजीनियर हैं। फिर हमने इसका रिवीजन किया, स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले को लिंग कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग होते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग होते हैं। अब आगे हम अभ्यास कार्य में देखेंगे। अब हम अभ्यास में देखेंगे का सही विकल्प पर सही लगाना है। सही का पहला है लिंग पहचान कर कराते हैं, बोध कराते हैं किसका, केवल स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का, केवल पुल्लिंग का या किसी का नहीं। तो हमने यहाँ पीछे जब पढ़ा तो हमने देखा कि हम लिंग से जो है वो दोनों की पहचान करते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। तो हम यहाँ ऑप्शन सा लगाएंगे, राइट, क्योंकि हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की पहचान लिंग से ही की है, तो दोनों पे रहेगा। दूसरा, लिंग के भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, आप ये टिक कर देते हैं। फिर तीसरा है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो शब्द देखते हैं फिर पहचानते हैं, मोरनी ये स्त्रीलिंग है, मालिन ये भी स्त्रीलिंग है, पुजारी जो है वो पुल्लिंग है, तो इस पे हम सही का टिक लगाएंगे, और चिड़िया जो है वो स्त्रीलिंग है इसलिए इसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पुल्लिंग बताना, तो पुल्लिंग सब जो है वो पुजारी है। चौथा है, बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बैल का स्त्रीलिंग जो होगा वो गाय होगी, बकरी ये तो अलग हो जाएगा, भैंस ये भी पुल्लिंग ही है, सांड ये भी पुल्लिंग ही है, इसलिए गाय जो है वो स्त्रीलिंग, जिसे हम गाय हमारी माता कहते हैं, तो माता कौन है, वो स्त्रीलिंग है, इसलिए गाय पर हम टिक करेंगे। फिर दूसरा है, खा रंगीन शब्दों के लिंग बदल कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो रंगीन शब्द यानी धोबी है, इसका हम लिंग बदलेंगे, तो धोबी का हम क्या कर देंगे, धोबिन कर देंगे, धोबिन। धोबिन कपड़े धो रही है। और दूसरा क्या है कि पत्नी का हम अगर
लिंग चेंज होगा तो हम यहाँ पति कर देंगे, यानी पति और पत्नी बाजार गए थे। तीसरा है नाग, नाग जो ब्लू कलर का, नीले कलर का है, तो इसका लिंग चेंज करने पे हम यहाँ नागिन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे नागिन, नागिन नाग नागिन बिल में रह जा रहे हैं। फिर है चौथा ससुर तीर्थ यात्रा पर, ससुर तीर्थ यात्रा पर गए थे तो ससुर का यहाँ हम सास बना देंगे, तो हो जाएगा सास ससुर तीर्थ यात्रा पर गए थे। फिर है पुजारी और मंदिर में भजन, पुजारी और मंदिर में भजन गा रहे थे, तो पुजारी का क्या, पुजारी का हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे जो है पुजारिन। पुजारिन गा है। नीचे नीचे दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटकर अलग अलग के लिखिए। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हमें ये सारे शब्द को छांटना है, तो हमें इतना पता है कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग और कौन से शब्द पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द में हम लिखेंगे मामी, जो स्त्रीलिंग है मामी। फिर दूसरा जो है वो गुड़िया, ये भी स्त्रीलिंग ही है। तीसरा देवरानी, ये स्त्रीलिंग है। वधु, ये भी स्त्रीलिंग है। सामग्री, ये भी स्त्रीलिंग है। गायिका, ये भी स्त्रीलिंग है। जेठानी, ये भी स्त्रीलिंग है। तो हमने यहाँ पे छाट के वो शब्द लिखे हैं जो स्त्रीलिंग है। अब हमें पुल्लिंग शब्द लिखना, तो बचे जितने भी शब्द हैं वो हमारे पुल्लिंग है, इसे हमें इजली तरीके से पता चल गया। तो हम इसका जो पुल्लिंग शब्द है वो लिख लेंगे। तो पुल्लिंग शब्द में है नायक, फिर है दूल्हा, सुनार, ससुर, जेठ, मोर, भाई, सारा शब्द क्या हमारा इस पुल्लिंग है। अब हमने स्त्रीलिंग में शब्द को ढूंढ दिया जो है मामी, गुड़िया, देवरानी, वधु, सामग्री, गायिका, जेठानी। और पुल्लिंग शब्द जो है वो है नायक, दूल्हा, सुनार, ससुर, जेठ, मोर और भाई। तो ये सारे शब्द हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हो गया। फिर हम आते हैं खेल खेल में, के का है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान रहने वाले किन्हीं पांच शब्दों को लिखे। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें उन समान शब्दों को लिखना जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रूप से आते हैं, जिसे हमने अभी पाठ में अपने पढ़ा। तो पहले हम लिखेंगे राष्ट्रपति, पहले लिखेंगे राष्ट्रपति, फिर है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, फिर डॉक्टर जिनमें दोनों आते हैं, वकील जिनमें दोनों आते हैं, और इंजीनियर जिसमें दोनों आते हैं। तो हमने इतना देखा कि जो है हमें इतना पता चल गया कि अगर पुरुष के बारे में बोला जा रहा स्त्रीलिंग है, और हमने जैसा कि हमने अपने पाठ में पढ़ा कि हमारे पास इतने सब जो हैं वो दोनों में आते हैं, तो हमने हमसे इसमें पूछा गया था कि पांच ऐसे शब्द लिखने हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों समान रूप से होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, हमने यहाँ नाम लिखा क्योंकि हमने अभी देखा कि इन सारी चीजों में दोनों लोग आ सकते, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो फिर आते हैं खा पे, खा है वर्ग पहेली में निम्नलिखित के विपरीत लिंग ढूंढिए। तो निम्नलिखित के विपरीत लिंग ढूंढना है वो हम देखते हैं। संकेत, जैसे शेरनी का पुल्लिंग और गाय पत्नी का पुल्लिंग, देवी का पुल्लिंग, नाग की स्त्रीलिंग, इस तरीके के हमें शब्द को ढूंढना है जो इन शब्दों के विपरीत लिंग बताता हो। तो शेरनी का जो लिंग बताएगा, शेरनी का पुल्लिंग है तो हम शेर का स्त्रीलिंग रहेगा, तो इसके तो शेर के जैसे हम
जैसे यहाँ शेरनी है तो आपको शेर लिख देना, तो शेर का पुल्लिंग, शेरनी का पुल्लिंग शेर हो गया, ठीक है, जो हमारे यहाँ इसमें है। और पत्नी, पत्नी का पुल्लिंग, पत्नी का पुल्लिंग हो गया पति, जो इसी में है ये। देवी का पुल्लिंग हो गया देव, ठीक है, देव देवी, देव देवी, तो देव देवी का जो पुल्लिंग शब्द वो देव हो गया। या देवी का इसमें है कुछ, नाग का स्त्रीलिंग शब्द है, नाग का स्त्रीलिंग शब्द है नागिन, नागिन। और गायक का स्त्रीलिंग शब्द है गायिका, इसी में हुआ है गायिका, ये गायिका। फिर देवर का स्त्रीलिंग शब्द है देवरानी, जो आपकी बुक में ही है, लिखेंगे देवरानी। और बकरे का स्त्रीलिंग शब्द है बकरी, जो इसी में है ऊपर ही, ये बकरी, लिखेंगे बकरी। ये भी हो गया हमारा। अब गा है नीचे दिए गए चित्रों के नीचे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखिए। तो हमने इसमें पहले ही आपको बताया, हमें पहचान करके ही देखना है, और हमें नाम से भी पता चलता है कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है और कौन से शब्द पुल्लिंग है। तो हमें यहाँ तो चित्र देख के बताना, जो हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें मोर है, दिए गए चित्रों के नीचे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग डालो, तो ये हम पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो गया। हमने चित्र को देखकर उसके अकॉर्डिंग देखा कि कौन स्त्रीलिंग और कौन पुल्लिंग है। तो अब जो है हमारा सिक्स यानी हमारा छठा अभ्यास अध्याय वो पूरा हो गया है, और उसमें हमने पढ़ा है लिंग, जो हमने अच्छी तरीके से जाना कि लिंग क्या है, स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति के लोग आते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिनमें पुरुष जाति के लोग आते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उसके बाद हमने ढेर सारे शब्द को देखा, और अच्छी तरीके से आप अपनी बुक में देख सकते हो कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होता है। फिर हमने दोहराए पे पूरी चीजें फिर से दोहराई हैं, और फिर हमने अभ्यास कार्य को पूरा किया। अब ये हमारा सारा पीडीएफ का वर्क होगा, जो आपको कॉपी में कंप्लीट करना होगा। जैसा मैंने हर वीडियो में कहा है कि आपको मैं जो भी वर्क कॉपी में करना है, जो भी वर्क हमें बुक में ही करना है, या जो वर्क कॉपी बुक दोनों में करना है, वो मैं आपको वीडियो में ही बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। इससे क्या है, पीडीएफ में वीडियो में तो समझ ही सकते हो आप, तो इसलिए मैं फिर से वो चीज़ आपको करने जा रही हूँ। आपका जो कॉपी का वर्क होगा वो सही विकल्प का है, शब्द का है, और गा है, खेल खेल में आपको का करना है, खा करना है और गा करना है। ये सारा वर्क आपको बुक में फिल करना है और कॉपी में कंप्लीट करना है। अगर जिसमें आपको चित्र दिए गए हैं तो आपको चित्र के साथ इसको पूरा करना है। पहले आपको चित्र बनाना है, उसके बाद आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग फिल करना है। तो आपको ये जितना भी वर्क है, ये सारा वर्क आपके पीडीएफ में जाएगा, और सारा वर्क आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी पूरा करना है। कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी हिंदी फर्स्ट की होगी, जैसा कि हर बार आपकी जो भी आपका वर्क जा रहा है वो वर्क आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो जो पार्ट है वो 6 तक यानी 6 तक पहुंच चुका है। प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। MPS कोड इज 10। थैंक यू।